किस्मत है। क्या सचमुच संस्कार समजीत से मिला हुआ है? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। योर ऑनर, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जब संविधान में औरत और मर्द को एक जैसा हक दिया जाता है तो फिर समाज में क्यों नहीं? क्यों आज हिंदुस्तान में हर 3 मिनट पर औरत पर अत्याचार होता है? क्यों उसे सिर्फ कर्तव्य याद दिलाए जाते हैं और अधिकार नहीं? हमें उन्हें उनके अधिकारों के बारे में सचेत करना होगा। हमें उनको बताना होगा कि कानून उनके साथ है। कल रात चोरी से समरजीत हमारे घर भी आया था। उसने दीदी को मारने की धमकी भी दी और उसी हाथापाई में हमारी दीदी को चोट भी आई। एंड योर ऑनर, इंस्पेक्टर मिश्रा, इंस्पेक्टर मिश्रा ने तो समरजीत के खिलाफ हमारी FIR लिखने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शायद ये उनसे मिले हुए थे। हम बहुत खुश हैं संस्कार, और हमें ये खुशी दिलाने के हकदार तुम भी हो। थैंक्स। आभा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तो मेरा फर्ज था, ये मेरा परिवार नहीं है क्या? चले संस्कार, तुम लोग चलो, मैं और आभा बस आ रहे हैं। चले, कहना पापा कि इतने सारे लोग गाड़ी में अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आप लोग चलिए, हम लोग आते हैं। पर 5 लोग तो आराम से आ जाएंगे। हाँ, वो 5 लोग तो आ ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ, अनकंफर्टेबल हो जाएगा पीर भैया। हम चले? हाँ। दादी, नमस्ते। दादी, बस तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। भगवान जी की बड़ी कृपा है कि इस घर में फिर से हंसी खुशी वापस आ गई। बस बेटा, अब तो एक आखिरी इच्छा ही बची है, जल्दी से हम परदादी बन जाएं। अब जाओ तुम सब, इतने दिनों किसी ने चैन की सांस नहीं ली। जा बेटा, जाके आराम कर। जा। हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ। एक मिनट, हम उन्हें फोन देते हैं। पापा, पिताजी आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते ठाकुर साहब। जगमोहन, हम तुमसे बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन आभा ने हमसे कहा, इसलिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जगमोहन, हम नहीं चाहते हैं कि आभा को बुरा लगे। खैर, जो हुआ सो हुआ जगमोहन, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारी आभा की वजह से समाज में हमारी लता की इज्जत और उसकी जिंदगी बच गई। अदालत में उसे न्याय मिला। हमें जगमोहन खुशी इस बात की है। जी ठाकुर साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूं जो आप कह रहे हैं। हमारी बेटी की वजह से आज लता रिहा हो गई और सही सलामत घर पहुंच गई। पिता होने के नाते
हम दोनों को गर्व होना चाहिए कि हमारी ऐसी बेटी है। हम रखते हैं जगह। जी ठाकुर साहब। पापा थैंक यू। आप कहे तो कहीं ना जाए, क्या दादी को परदादी जो बनाना है। करण हम मजाक नहीं कर रहे। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ, आके बात करूँ। पर कहाँ जा रहे हैं? आके डिटेल्स बताता हूँ ना, प्लीज बाय। अब बाय। विमल भैया, हमें पता लगाना होगा। जी मैडम। विमल भैया को देखा? जी वो तो अपने कमरे में है। ठीक है मैडम, ये शर्ट ये गलती से हमारे कमरे में आ गया था, विमल भैया को देने जा रहे हैं। मैडम ये शर्ट तो संस्कार बाबू का है। ठीक है जी मैडम। अकेले क्यों मार रहे हो? मेरे साथ दो लोग मिले हुए हैं, उन्हें आप क्यों नहीं कुछ कहते हैं? संत इसका मतलब संस्कार? मैडम ये शर्ट तो संस्कार बाबू का है। ठीक है जी मैडम। मुझे अकेले क्यों मार रहे हो? मेरे साथ जो लोग मिले हुए हैं, उन्हें आप क्यों नहीं कुछ कहते हैं? इसका मतलब संस्कार? संस्कार की शर्ट का कफलिंग पापा के कमरे में? वो क्या करने जाएगा वहां? और क्यों जाएगा? वो सबूत गायब क्यों करेगा? वो तो दीदी को बहुत मानता है, उसने हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है, और मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन उसका ये कफलिंग हमें उलझन में डाल रहा है। सच क्या है कैसे पता लगाएं? करण से इस बारे में बात करें? मेरा बच्चा मेरे पेट में है, मेरे पास।
कहाँ से? दादी, दीदी, दादी मुझे झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। पिताजी झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है, मेरा बच्चा मेरे पेट में है। मैं उसे बात करती हूँ। बाप अपनी बेटी से ऐसे झूठ बोलता है क्या? मैं जानती हूँ मेरा बच्चा पेट में है। तू सुन रहा है ना? हाँ, तू मेरे पास ही है ना, मेरे साथ, तू जानता है ना? दीदी, माँ संभालिए ना। लता संभालो अपने आप को। मैं तुझे लोरी गा के सुनाती हूँ, तुझे प्यार करती हूँ, तू मुझसे बात करता है, बोल ना। माँ भी क्यों नहीं बोल रहा है? लता, मैं तेरे लिए वो चुराबे बना रही हूँ, बात कर मुझसे। उसे बात क्यों नहीं कर रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। कह दीजिए सबको कि आप ये मजाक कर रहे हैं। मेरा बच्चा मेरे पास है, मेरे पेट में है। कह दीजिए ना ये झूठ है। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को, बोलिए ना। प्रकाश भैया, देखिए ना पिताजी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। बोलिए ना कि मेरा बच्चा मेरे पास है। मामा जी, आप पिताजी को समझा सकते हैं, आप पिताजी से बात कर सकते हैं, उन्हें पूछिए। आप पिताजी की बात का यकीन मत करना। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, मेरा बच्चा मर नहीं सकता। बोलिए मेरे बच्चे को। आप झूठ नहीं बोलते लता। हमें झूठ बोलना पड़ा बेटे। तुम्हारा बच्चा वो इस दुनिया से चला गया। उसे तो खो दिया हमने, लेकिन हम अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते थे। इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। हमें माफ कर दो बेटा, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छा हुआ संस्कार बेटा, जो तुम वापस आ गए। हमें तो लगा था अब तुम इतने बड़े हो गए हो, स्वर्ण भवन छोड़ के हमारी इस छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए क्यों आओगे भला? इरादा तो कुछ ऐसा ही है मामी जी। इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है तुम्हें, दिल्ली से किसी के लिए भी कुछ भी नहीं लाए? ऐसा हो सकता है मामी जी? जब मैं दिल्ली था तभी मुझे हर पल यहीं का ख्याल रहता था। याद आती थी ना आपकी? अब मैं दिल्ली से आया हूं तो हो सकता है किसी के लिए कुछ लेके ना आऊं। ले लीजिए, आपके लिए ये बनारसी सिल्क की साड़ी। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। मुलायम भी है, सिल्क है ना। बहुत दिनों से मन था ऐसी एक रेशमी साड़ी कभी पहनूं, मगर तुम्हारे मामा जी कभी एक धागा तक नहीं लाते मेरे लिए। सच कहूं संस्कार बेटा, हमें तुम पर बहुत नाज है। इतनी अच्छी नौकरी लग गई है तुम्हें, अच्छा खासा कमा लेते हो, अब थोड़े दिनों बाद खुद के लिए अच्छा सा घर भी बना लोगे। बस अब जल्दी से घर संभालने वाली को लेकर आओ। नमस्ते, कैसे हो करण बेटा? ठीक है, आइए ना।
बैठिए बैठिए। भाभी कुछ नाश्ते का प्रबंध करेंगे। अब आपकी तबीयत कैसी है? हम आपको देखने आने ही वाले थे, आपने क्यों कष्ट किया? आना तो था ही, आखिर हम लड़की वाले हैं। ठाकुर साहब, उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो मलाल था वो अभी मिट गया। वो असल में आज हम संस्कार के लिए अपनी सानिया का रिश्ता लेकर आए हैं। संस्कार और सानिया एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। सानिया का ही हो। अच्छा तो वो तुम हो जिसने हमारे संस्कार का दिल चुराया है? हाँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, अरे शीतल मामी बोल रही हूँ मैं, भूल गई क्या? मामी, हम बोल रहे हैं आभा। ये फोन आपके पास कैसे आया? किसका फोन है ये? अरे जिसको फोन किया उसी का है ना ये? खुद ही संस्कार को फोन कर रही हो, पूछ रही किसका फोन है? अरे फोन बज रहा था, मुझे लगा सानिया का होगा इसलिए मैंने उठा लिया। रुक, संस्कार को बुलाती हूँ, हॉल में ही होगा। नहीं मामी, अब रहने दीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है। करण यहाँ है और इसे संस्कार से बात करनी थी, और इसने मेरा फोन भी क्यों काट दिया पहले? खैर छोड़ो, जो भी हो इस संस्कार की तो चांदी ही चांदी है। तुम तो मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे आई एम सॉरी सानिया, हम भूल गए थे। सानिया हमें बहुत जरूरी काम है, हम मंदिर शाम को चलें प्लीज। इट्स ओके आभा, हम मंदिर शाम को भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तुम ठीक हो ना? परेशान लग रही हो, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो दीदी की केस की फॉर्मेलिटीज जब तक पूरी नहीं होती हमारा मन बहुत बेचैन रहेगा, बस इसलिए। आभा सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अब मुझे ही देख लो ना, पापा के जाने के बाद लगा था जैसे जिंदगी रुक सी जाएगी, लेकिन फिर संस्कार की वजह से अब फिर से जीने का मन करता है। इंसान को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो और तुम टेंशन मत लो। संस्कार बहुत अच्छा लड़का है। सानिया और संस्कार की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी ठाकुर साहब, और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि सानिया आपके घर में बहुत खुश रहेगी। और एक बात तो हम सब जानते हैं, वक्त और हालात के चलते अगर किसी ने सबसे ज्यादा दुख सहे हैं
तो सानिया और संस्कार है। अब अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे में अपना जीवन साथी देखते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और पापा को भी रिश्ता मंजूर है। पिताजी, आभा भी यही चाहती है। सानिया, ये लेटर संस्कार का है। पता है, वो ये लेटर मुझे कुरियर करने वाला था। एक ऑफिस के कैबिन से दूसरे ऑफिस के कैबिन तक कुरियर से। पागल। हमें तुमसे प्यार कितना है ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। पापा के जाने के बाद संस्कार ने मुझे इस तरह से संभाला है, इस तरह से साथ दिया है कि बस मन में उसके लिए प्यार और बढ़ गया है। इसका मतलब संस्कार ने ही हमें वो लेटर्स भेजे थे। वही कागज, वही फॉन्ट, वही लिखने का अंदाज। हे भगवान, कैसा सच निकल कर हमारे सामने आ रहा है। आभा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? अब कुछ नहीं, हम अभी आते हैं। पिताजी, अगर इस शादी से सबको खुशी मिलती है। हम खुशियों के लिए परंपराओं का त्याग नहीं करते हैं करण। जिस घर में लड़की देते हैं उस घर से लड़की लाई नहीं जाती। लेकिन पिताजी, परंपराएं दो प्यार करने वालों की खुशियों से तो ज्यादा जरूरी नहीं है ना। और जिस घर में आपने लड़की दी है वो लड़की वहां खुश है, तो अगर एक खुश, इन खुशियों को पाने के लिए हमारी आभा को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, कितना त्याग करना पड़ा है, ये हम जानते हैं। इन खुशियों को पाने के लिए उसे क्या क्या सहना पड़ा है तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है करण। जगमोहन, उसने हमारी आभा के साथ जो किया वो अलग, और हमारी लता के साथ किया वो अलग। दीदी के केस में पापा की कोई गलती नहीं थी। करण, बड़ों के सामने अमूमन हम अपनी जबान नहीं खोलते, हमारी ये आदत है नहीं, इसलिए हमें इतना ना बुलवाओ कि हमें ये महसूस होने लगे कि हम तुम्हारी दादी की तौहीन कर रहे हैं। बहरहाल, तो अगर चाहो संस्कार, तो उस घर की लड़की से शादी बेशक कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी बारात इस घर से नहीं जाएगी। सानिया,
हम सानिया को सारी सच्चाई अभी बता देंगे। सानिया, अब ये अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हारे पिताजी मेरे और संस्कार के रिश्ते को अपना तो लेंगे ना? पता है, अब तो संस्कार के बिना जीने के बारे में सोच के ही घबराहट होती है। सानिया, कैसे कहे तुमसे? सानिया, जो तुम समझ रही हो ना, संस्कार वैसा नहीं है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। क्या? हाँ, ये खत, वो फोन कॉल्स सब नाटक है, झूठ है सब कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है? सच कह रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता। अबा प्लीज कह दो कि ऐसा नहीं हो सकता। अबा प्लीज कह दो कि ये झूठ है। संभालो अपने आप को सानिया। सानिया, हम सच कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।